नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में डायरी पर पैसा चलाने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे एक युवक ने आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों से शिकायत की है कि केएस ग्रुप कंपनी के नाम से तीन लोगों ने अपनी फर्म खोल रखी है। यहां तीन लोग मजदूर लोगों को डायरी पर पैसा देकर उनसे दोगुना पैसा वसूल करते हैं। जब कोई पैसा नहीं दे पाता तो उनके ब्लैंक चेक को भरकर धमकाते हैं। वहीं पुलिस अधिकारी ने उसकी शिकायत पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल ग्वालियर मुरार क्षेत्र के तिकोनिया निवासी राघवेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाते हुए पुलिस अधिकारियों को बताया कि हजीरा थाना क्षेत्र के चार शहर का नाका स्थित प्रसाद नगर में कमलेश शिवहरे के यहाँ काम करता था। कमलेश शिवहरे केएस ग्रुप के नाम से बाजार में चार पहिया ठेके वाले मजदूर और फुटपाथ लगाने वाले दुकानदारों को डायरी देकर ब्याज पर रुपया उधार देता है, जिसकी उधार दिए जाने वाले रुपयों की वसूली कमलेश शिवहरे उससे करवाता था। कमलेश ने राघवेंद्र को नौकरी पर रखने के से पहले एक स्टाम्प का ब्लैंक चेक लेकर रखा था। 2019 में लॉकडाउन लगने के कारण ठेले वालों और दुकानदारों ने रुपए देने से मना कर दिया। तब कमलेश शिवहरे ने उसके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि ठेले वालों और दुकानदारों से रुपए लेकर आओ, फिर उसके चेक बैंक में लगाने की धमकी देने लगा। राघवेंद्र ने बताया कि इस कंपनी को कमलेश शिवहरे, एमएल भदौरिया और राजेंद्र नाम के तीन व्यक्ति चलाते हैं। यहां ठेले चलाने वाले, मजदूरी करने वाले और फुटपाथ को संचालित करने वाले लोगों को डायरी देकर ब्याज पर पैसा देते हैं, लेकिन इसके बदले उनसे ब्लैंक चेक और स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करवा लेते हैं। जब वहां पैसा नहीं दे पाते तो उनके चेकों में लाखों रुपए भरकर बाउंस करा देते हैं और फिर उन पर दबाव बनाते हैं। वहीं सीएसपी अशोक सिंह जादौन ने इसी शिकायत को सुन कंपनी को लेकर जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। ये है चार शहर के नापे हजीरे पर रहता है कमलेश शिवहरे। ये ठेले वालों को, मजदूरों को 10,000 रुपये 20,000 ब्याज पर देता है, प्रतिदिन 500 वसूल करता है और अगर कोई मजदूर पैसा नहीं दे पाता है उनको 50 रुपये 100 रुपये पेनल्टी लेता है। सारा पैसा देने के बाद भी ये आबादा की जो है वसूली करता है, जिनका चेक रखा हुआ है ब्लैंक चेक लेता है। इसकी नियम शर्तें रहती हैं कि जो भी पार्टी को पैसा देता हूँ 10,000 20,000 रुपये उससे ब्लैंक चेक और स्टाम्प लेता है। ब्लैंक चेक स्टाम्प जब पैसा पूरा दे देते हैं, ब्याज जब रह जाता है तो ब्याज के तौर पर सारे स्टाम्प और चेकों पर भर के पैसा लगाता है। कोर्ट में उनको तड़पाता है कि भाई मैं 3 लाख लगा दूंगा, 2.5 लाख लगा दूंगा, मेरा ब्याज दो। कई लोगों ने पैसा दे रखा है। चिटफंड कंपनी है, फर्जी कंपनी है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड ही फर्जी है। मैंने मुरार थाने में की है, मुरार थाने वाले बोलते हैं हजीरे थाने जाओ, हजीरे थाने बोलते हैं कि मुरार थाने जाओ, क्योंकि मैं मुरार रहता हूँ, वो जो सामने वाले कमरे से भर रहे वो हजीरे था। फिर हम लोग एसपी ऑफिस जाएँ, हमने आवेदन दिया है, एसपी सामने हमको आवेदन दिया 3-4 दिन का कि हम इसे जाँच करेंगे फर्जी है या कैसा है। उस जात पर हम लोग तीन थाने समय मिला हम लोगों को। अभी कुछ थाना मुरार अंतर्गत कुछ 4-5 जो हाथ ठेले वेंडर वाले कर्मचारी आए थे, वो ठेले का संचालन करते हैं और कोई केएस ग्रुप करके ग्रुप बनाया हुआ है, वो उनको कुछ राशि उधार देते हैं और वसूली के लिए अनैतिक तरीके अपनाते हैं और राशि अधिक वसूलते हैं। तो उनका ये कह रहा है कि ऐसी कोई फर्म अभी रजिस्टर्ड नहीं है और उनके द्वारा अवैध तौर पर ब्याज का काम किया जा रहा है, तो उसको हमने आवेदन को जांच में लिया है। टीआई को निर्देशित किया है कि ऐसे प्रकरणों की जांच करें गंभीरता पूर्वक और जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उन पर किया जाए। सर, एक बुजुर्ग महिला आई थी, जो उससे परेशान है, उनके आरोप लगाए उन्होंने, क्या समझा? अब ये तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।